फ्रेंड्स, ये हम लोग का गोदरेज का फ्रीजर है। आज हम लोग सीखेंगे इस फ्रीजर में प्रेशर डाल के लीकेज को कैसे चेक करें और इसमें क्या क्या सिस्टम है, जो इसमें हम लोग कैसे प्रेशर डालें और इसको हम लोग लीकेज को कैसे टेस्ट करें। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम लोग आगे करते हैं वीडियो का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फ्रीजर को ले लेंगे। ठीक है, फ्रीजर को लेने के बाद थोड़ा सा जूम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का है कैपिलरी, जो फ्रीजर से आया हुआ है। ये वाला पॉइंट से, ये वाला पॉइंट को हम लोग इसमें चार्जिंग बोर्ड डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चार्जिंग बोर्ड डालेंगे। अगर कोई नया ऐसी टेक्नीशियन होगा तो ये लगा के आप यूज कर सकते हैं, मतलब इससे आप प्रेशर डाल सकते हैं। तो हम लोग ये नया वाला यूज नहीं करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे जो इसमें प्रेशर डालेंगे काम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लगा देंगे इसका कैपिलरी में। उसके बाद इसमें पिंच मार देंगे प्लस से। ये हम लोग का हो गया एक काम। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा आपका, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो इसको अभी हम लोग ब्रीजिंग मारेंगे। ब्रीजिंग कैसे मारते हैं वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग का नोजल कैन को जलाएंगे। ये वाला हम लोग नोजल कैन है, इसको हम लोग जलाएंगे अभी। इसके बाद इसमें ब्रीज करेंगे इसका कैपिलरी का वॉल को। स्टेप बाई स्टेप देखिएगा तब जाके आप सीख पाइएगा। तो ये हम लोग का ब्रीज करेंगे इसमें अभी। इसको पहले हीट करेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग का ये हल्का, मतलब इसमें ब्रिज हो गया, ब्रिजिंग हो गया। ये इसमें से हम लोग प्रेशर डालेंगे, इससे अच्छा से इसको हम लोग ब्रिजिंग कर दिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा ये वाला वाल, जो उसका सेक्शन होता है। ये वाला सेक्शन को अभी हम लोग इसको पिंच करेंगे। इसके बाद इसमें ब्रिजिंग मारेंगे, स्टेप से पिंच करेंगे प्लस से, ताकि इसमें से माल अंदर ना जाने सके जब ब्रिज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से हीट करेंगे। इस तरह से हीट करके उसको तो ब्रीजिंग लगेगा तो ये अपना ले लेगा, मतलब अच्छे से ब्रीजिंग हो जाएगा। और उसका बिना गर्म किए अगर ये ब्रीजिंग रखते हैं टपाएगा तो ऐसे ब्रीज नहीं होता। फ्रेंड्स, हम लोग का फाइनली हो गया ये ब्रिजिंग। इसको साइड में रख देते हैं, इसका काम हो गया। उसके बाद इसको अभी ठंडा करना है अपना पानी से, तब इसको हम ठंडा करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी ब्रिजिंग मारिएगा तो आप उतना जल्दी इसमें पानी मत दीजिएगा, नहीं तो ये आपका एयर ले लेगा या पानी इसमें पास हो जाएगा तो ये लीकेज कर सकता है। तो उतना जल्दी इसमें पानी मत दीजिएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग अभी थोड़ा देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें प्रेशर डालेंगे। सो गाइस, ये हम लोग का गेज है जो हाई प्रेशर गेज है। ठीक है, इसको हम लोग प्रेशर मार के देखेंगे। जो इसमें होता है कि 500 प्रेशर जाता है, जब फ्रीजर से पूरा सिस्टम में जाता है कंप्रेसर 500 प्रेशर जाता है तो ये कूलिंग करता है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये सिंगल है। अगर आपका पूरा सिस्टम में डाले रहते तो 250 से 200 तक डाल सकते हैं, मतलब हाँ 250 से 200 तक डाल सकते हैं, मतलब 200 से 250 तक ही डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा डालिएगा तो ये जो फ्रीजर होता है वो लीकेज, मतलब फट सकता है। तो इसमें हम लोग कम ही डालेंगे, कम से कम 100 डालेंगे। ठीक है, ये अभी सिंगल है,
जब सिस्टम में लगा रहने से आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग इसका ये करते हैं, ये देखिए इसमें लगा देना हम लोग को इसका एक पॉइंट, और उसके बाद दूसरा पॉइंट जाएगा इसमें आपका हाई प्रेशर का गेज में। वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, उसके बाद जो एक पॉइंट होता है गेज का ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग इसमें डालेंगे जो प्रेशर देने के लिए हम लोग इसको लगाए हैं चार्जिंग वॉल को, इसको अच्छे से लगा देना है, अच्छा सा कस कर टाइट मार देना है। हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद ये हम लोग का कंप्रेसर है, ये हम लोग का कंप्रेसर है, इसमें से हम लोग प्रेशर मारेंगे, उससे डालेंगे इससे हम लोग। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का, मैं पहले रिले ओवरलोड का इस तरह से मैं दो मेन लाइन बना लिया, और इसको मैं अपना ओवरलोड में एक दिया और एक रिले में, तो इसको हम लोग कनेक्शन करेंगे। और ये इसको मैं प्लग पावर दे रहा हूँ उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम लोग का चालू होना, चालू हो गया ये, तो इसमें से अभी प्रेशर मारेंगे, ये हम लोग पूरा खोल देंगे, नहीं तो ये आपका गेज फट सकता है, तो इसको खोल देंगे इस टाइप से। तो प्रेशर वाला में डालेंगे इसमें हम लोग इस टाइप से लगा देंगे, तुरंत बंद कर देंगे। उसके बाद तो फिर देखिए इसमें बहुत स्पीड से ये लीकेज कर रहा है, आवाज़ आप सुन सकते हो, ठीक है। कहाँ से ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा तेल फेंक दे रहा है, कहाँ से तेल पूरा फेंक दिया इसमें। इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि इसमें गोदरेज जब फ्रिज में लगा हुआ था तब ये हम लोग गैस डाल के आते हैं फिर लीकेज हो जाता है, फिर देखे फिर से जब इसको खोल के देखे तो इसमें लीकेज बता रहा था। तो अभी हम लोग देखे कि इसमें से तेल फेंक रहा है, तो अभी इसको अच्छे से फिर से प्रेशर मार रहा है, उसके बाद फिर से चेक करेंगे इसमें कहाँ से लीकेज कर रहा है। देखिए फ्रेंड ये देखिए यहाँ से तेल निकल रहा है, देखिए फ्रेंड ये वाला आपको मैं साबुन का फेनर लगा के दिखाऊंगा अभी लीकेज। तो फ्रेंड्स फिर से हम लोग इसमें प्रेशर डालेंगे अभी, उसके बाद इसको लीकेज चेक करेंगे। तो ये हम लोग का कंप्रेसर चालू हो गया, उसके बाद इसमें से कहाँ से हम लोग का लीकेज है अभी होती है। ये फ्रेंड्स यहाँ से है लीकेज, बहुत स्पीड से निकल रहा है यहाँ से। ये देखिए दो लीकेज है इसमें, तो फ्रेंड इसका बेस्ट उपाय होगा ये हम लोग को ये वाला फ्रीजर चेंज करना होगा, फ्रीज में नया फ्रीजर लगाना होगा, तब जाके इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तब जाके गैस इसमें रनिंग होगा, उसके बाद गैस टिकेगा, तब जाके ये ठंडा होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग घर में जाके डाल के आ जाते थे, उसके बाद हम लोग ये चैम्बर चेक नहीं किए थे, मतलब फ्रीजर चेक नहीं किए थे, उसके बाद वैसे गैस डाल के आ गए थे, इसलिए ये हम लोग का बार बार ठंडा नहीं हो रहा था, उसका प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी देखिए फ्रेंड्स ये हम लोग का अभी फ्रीजर को चेक किया तो यहाँ से लीकेज है, ठीक है। अगर आप भी अगर नया से टेक्नीशियन है तो, या मतलब टेक्नीशियन है तो आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं, मतलब इसको फ्रीजर को पहले चेक कीजिएगा, उसके बाद गैस डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद आप इसमें ये कर सकते हैं, जो बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो अपना इसमें आइस निकालने के चक्कर में चाकू मार देते हैं, जिसके कारण ये लीकेज हो जाता है, तो इसे ना करें। तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।